इजरायली सेना गाजा के भीतर नर्क की आग का सामना कर रही है। हमास के लड़ाके आईडीएफ को चारों तरफ से घेर कर खड़े हुए हैं। गाजा का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पर इजरायली सेना महफूज हो। दरअसल गाजा के भीतर तमाम प्रतिरोधी संगठन एक साथ मिलकर बड़े ही संगठित तरीके से इजरायली फौज की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं और हमास के हमलों में इजरायली सेना की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और इसी कड़ी में गाजा के भीतर अल कासिम ब्रिगेड ने आईडीएफ के ऊपर दो बड़े हमले किए हैं। ये हमले खान यूनिस शहर में हुए हैं। यहाँ पर इजरायली फौज दोबारा इकट्ठा हो रही थी। खान यूनिस के अल करारा इलाके में अल कासिम के लड़ाकों ने एक घर के ऊपर टीबीजी एंटी फोर्टिफिकेशन गोला और एक एंटी पर्सनल गोला दाग दिया। आपको बता दें कि इस घर के भीतर आईडीएफ के जवान पहले से ही मौजूद थे। खान यूनिस में हुए इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें हमास का एक लड़ाका एक नोटबुक पर एक नक्शा बनाता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अल कासिम के लड़ाके एक सुरंग में बारूद बिछाते हुए दिखते हैं और इसके बाद वीडियो में एक बिल्डिंग में आईडीएफ का एक जवान दिख रहा है और उसके तुरंत बाद इस बिल्डिंग में कई राउंड धमाके होते हैं। बिल्डिंग की खिड़कियों में बड़े बड़े आग के गोले निकलने लगते हैं। वहीं दूसरे हमले में अल कासिम के लड़ाकों ने एक बारूद से भरी सुरंग को उड़ा दिया जिसकी चपेट में आईडीएफ के 5 जवान आ गए हैं। और इन हमलों के बीच देर अल बला में अबू मुस्तफा ब्रिगेड ने आईडीएफ के ऊपर 60 एमएम के आर्टिलरी गोले और रॉकेट का जत्था फायर किया है। वहीं नटजरी मैक्सिस में तो अल अक्सा और मुजाहिदीन ब्रिगेड ने एक साथ मिलकर आईडीएफ के ऊपर हमला किया। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में एक लड़ाका एक पत्थर के ऊपर कुछ रॉकेट्स को रखता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद वो इन रॉकेट्स को फायर कर देता है। लेकिन इन हमलों के बीच गाजा के भीतर से अल कासिम ब्रिगेड ने तेल अवीव पर एक बड़ा हमला किया है। दरअसल अल कासिम ब्रिगेड ने एक बयान जारी करके दावा किया कि तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी गई थी। सूत्रों के मुताबिक इजरायली सेना ने इनमें से एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था। बड़ी बात यह है कि इस हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि दूर से धमाके की आवाज सुनाई दे रही है और काला धुआं उठता दिख रहा है। हालांकि इस हमले में तेल अवीव में कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ अल कासिम ब्रिगेड ने भी तेल अवीव हमले का एक वीडियो जारी किया है जिसमें अल कासिम के लड़ाके कुछ मिसाइलों को लॉन्चर में फिट करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद इन मिसाइलों में टाइमर लगा दिया जाता है और इसके बाद इन मिसाइलों को लॉन्चर से फायर कर दिया जाता है। ये मिसाइल तेल अवीव की तरफ फायर होती हुई दिख रही हैं। हालांकि इसके बाद भी अल कासिम के लड़ाके शॉर्ट रेंज मिसाइलों को इजरायली सेटलमेंट्स की तरफ फायर करते हुए दिखते हैं। लेकिन इन हमलों में कितना नुकसान हुआ है इसकी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है।